गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कैलाश बरवड़ श्री सवाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम करता हूं। और आज हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने विटामिन्स थे तो जो फैट सोल्युबल विटामिन थे वो हमने करवा दिए हैं, और अब आगे हम पढ़ेंगे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो करवाएंगे। आज का न्यू टॉपिक है, यूनिट है कुकरी रोल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी भोजन कैसे बनाया जाता है, भोजन को कैसे रखा जाता है, उसमें इफ़ेक्ट ऑफ द फूड यानी जो फूड्स है उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट क्या है, उससे कौन कौन सी डिजीज प्रिवेंट होती है। तो एक हम सीखेंगे खाना बनाना आज, कुकरी रोल्स यानी खाना कैसे बनाते हैं, उसके मेथड क्या क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को कैसे रखते हैं, फूड में कौन कौन सी मिलावटी आती है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट उसको पढ़ेंगे, इसमें इतना हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कुकरी रूल्स, क्या है कुकरी रूल्स। खाना बनाना मोस्टली एक आर्ट है, हमारी एक कला है, खाना बनाना एक हमारी कला है। तो ये कला है जो हमारी डाइटरी हैबिट है, जो हमारी हैबिट्स है खाना खाने की, उनसे लिंक करती है। यानी कुकिंग इज आर्ट विच इज लिंक इन हैबिट्स ऑफ कुकिंग या डाइटरी फूड, एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ पीपल, कि हमारा ये जो पीपल्स है उसका एक कल्चरल पैटर्न है जिसमें डाइटरी हैबिट्स है, खाना कैसे बनाया जाता है, ये हमारी एक कला है, हम सीखते हैं खाना बनाना, है ना। तो आज हम खाना बनाना सीखेंगे, कौन कौन से खाने बनाने के मेथड्स होते हैं यह आज हम पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ऑल फूड्स कंज्यूम मीट टू बी ट्रीटेड विद द इफेक्टिव कुकिंग मेथड्स सो एज टू इन्हेंस द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ फूड, क्योंकि जो हम बनाने से जो हमारा फूड है उसकी क्वालिटी और उसका टेस्ट के लिए हम खाना बनाते, हम अच्छा फूड लेंगे तो हमारी जो न्यूट्रिशन है, हमारी डाइटरी हैबिट है, हमारी जो डिजीज़ प्रिवेंशन की कैपेसिटी है बॉडी की, है ना, हमारी इम्यूनिटी है वो एक मजबूत होगी। तो हम अच्छा एक फूड लेते हैं, हमारी हैबिट होती है जो हमारे कल्चरल है उसमें कौन कौन से फूड बनाए जाते हैं जो हम बनाना सीखेंगे, और इसके मेथड क्या क्या है, किससे बनाते हैं, कैसे हम बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा जो विटामिन्स है मिनरल्स है उसको अगर हम बॉइलिंग करते हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है हमारा जो यूनिट है, इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जो खाना बनाते हैं उसके रूल्स क्या क्या है, उसके मेथड क्या क्या है, प्रिंसिपल क्या क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ द फूड यानी जो हम बनाते हैं खाना तो हमारे फूड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे। क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ज़्यादा हम बॉइलिंग कर दें तो इसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, है ना, तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये कुकिंग हमारी आर्ट है, हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कुकिंग इज एन आर्ट which is link with dietary habits and cultural pattern
ऑफ पीपल। कुकिंग इज एन आर्ट विच लिंक विथ डाइटरी हैबिट्स एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ पीपल्स। जो हमारा कल्चर है उस पे लिंक रहता है, यानी कुकिंग यानी खाना बनाते हैं। तो हम कुकिंग इज एन आर्ट विच लिंक विथ डाइटरी हैबिट्स एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ पीपल। ऑलमोस्ट ऑल फूड्स कंज्यूम मीट कुकिंग मेथड्स सो एज टू इनहेंस दे क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ फूड। कुकिंग इज एन आर्ट विच लिंक विथ डाइटरी हैबिट्स एंड कल्चरल ऑफ पीपल। अगला पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल फूड कंज्यूम मीट कुकिंग मेथड सो एज टू इनहेंस द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ द फूड। क्योंकि कुकिंग ये खाना बनाने की एक हमारी कला है और हमारा एक कल्चरल जो भारतीय संस्कृति का एक पैटर्न है, कल्चरल पैटर्न ऑफ द पीपल। एंड ऑलमोस्ट कंज्यूम, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, फूड लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स, कुकिंग मेथड सो एज इन, तो वो जो हम ऑलमोस्ट फूड कंज्यूम करते हैं तो उस कंज्यूम तो लेते हैं, तो इसको हम बनाते हैं कैसे, उसको खाने लायक बनाते हैं, तो उसमें एक क्वालिटी और टेस्ट है ना, वो अलग ही दिखेगा। तो एक हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब है इसके बेनिफिट क्या है। हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं तो हमारा एक अच्छा डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट, तो हमारी बॉडी में इसका महत्व क्या है। तो महत्व है, इट मेक द, अगर हम खाना बनाकर या उसको पकाकर खाते हैं तो एक इजीली जो स्लोविंग यानी इजी मास्टिकेशन, निगलने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। ऐसे एक कच्चा धान खाते हैं, पका पकाया खाते हैं, जैसे रोटी, एक तो गेहूँ खाते हैं डायरेक्ट और एक उसको पिसा के यानी रोटी बना के सेक के बाद में खाता है, तो इजीली वो मास्टिकेशन हो जाता है, इजीली स्वॉलिंग हो जाता है, निगलने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इट मेक द मास्टिकेशन इजियर, यानी चिगलने में कोई परेशानी नहीं हो, और इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। अगर वो पकाया हुआ खाना है तो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और जो हम खाना पकाकर खाते हैं तो वो दिखने में अच्छा लगेगा, अपीयरेंस ऑफ फूड, यानी अपीयरेंस ऑफ फूड एक दिखने में एक अच्छा लगेगा कि वास्तव में खाना अच्छा बनाया हुआ है। और जो हमारी जो अच्छा हम खाना लेंगे तो हमारे को डिजीज इन्फेक्शन वगैरह कम होगा और हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, एक अच्छा हम खाना खाएंगे तो। और कुकिंग और एक अच्छा खाना बनाने के उसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि कच्चा है वो तो हम खाने के लिए हम अच्छा नहीं लगता, पका पकाया खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी भी एक्सेप्ट करेगी। तो ये है कुछ बेनिफिट, इजीली मास्टिकेशन होगा यानी इजीली इजियर हम स्वॉलिंग यानी निगलने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मास्टिकेशन चबाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और इजी डाइजेस्ट होगा, अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी है वो मजबूत होगी, कोई हमारी कोई इन्फेक्शन या डिजीज नहीं होगी, और खाना अगर बनाया हुआ हम देखते हैं तो एक अपीयरेंस ऑफ फूड एक अच्छा लगेगा, एक तो कच्चा धान है एक पका पकाया धान है तो वो दिखने में तो उसकी जो अलग ही दिखेगा। तो ये है हमारे कुछ बेनिफिट, यानी कुकिंग के क्या बेनिफिट है।
तो इट मेक द मास्टिकेशन इजियर, इजी टू डाइजेस्ट, फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज एंड इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन एंड डिजीज, एंड हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और जो खाना है दिखने में अच्छा लगेगा और जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये है इसके बेनिफिट, इसके बेनिफिट। इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, अब हम इसके देखेंगे बेनिफिट क्या है कि हम खाना खाते हैं तो हमारे को बॉडी को क्या लाभ है उसके बॉडी में। अब हम बेनिफिट देखते हैं कि बेनिफिट तो बेनिफिट क्या है। अब बेनिफिट में हमने बताया इट इज असेंशियल फॉर स्टेबलाइजेशन, इट इज असेंशियल फॉर स्टेबलाइजेशन यानी फ्री फॉरम कंटामिनेशन, कोई उसमें वह वेस्ट नहीं होगा, फ्री फॉरम होगा, कोई उसमें डिजीज नहीं होती है। फ्री फॉरम असेंशियल फॉर स्टेबलाइजेशन का मीन्स होता है फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। और फ्री स्टेबलाइजेशन ऑफ फूड बाय किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज असेंशियल फॉर स्टेबलाइजेशन का मीन्स होता है बाय किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फ्री फॉरम कंटामिनेशन। इट टेक मास्टिकेशन इजी एंड हेल्प इन द डाइजेशन। सेकंड है इट मैक्स मास्टिकेशन इजी एंड हेल्प इन द डाइजेशन हेल्प इन द डाइजेशन। अगला है इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू डाइजेस्ट गुड कुकिंग हेल्प इज टू remain free from infection of disease. Good cooking help in is to remain free from infection and disease. अगर good cook अच्छा खाना होगा तो हमारी body के लिए free from infection या कोई disease नहीं करेगा, इन्फेक्शन और डिजीज नहीं करेगा।
इट मेक मास्टिकेशन इजी टू डाइजेशन इजी टू डाइजेस्ट गुड कुकिंग हेल्प इज द रिमेन इन फ्री फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन। अगर अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई डिजीज नहीं होगा। अब हमें गुड कुकिंग हेल्प इज टू मीट और डेली न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। अगला बेनिफिट है गुड कुकिंग हेल्प इज टू मीट और डेली न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। अगर हम अच्छा खाना लेंगे तो हमारी कोई अच्छी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट यानी जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो अच्छी मिलेगी। गुड कुकिंग इंक्रीज द एक्सेप्टेंस ऑफ फूड। हम अच्छा करेंगे, इट इम्प्रूव द। अगला है इट इम्प्रूव द ऑफ फूड इट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ फूड। तो ये हो गए इसके बेनिफिट, हमारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट है। अब हमने देख लिए इसके बेनिफिट कि हम खाना बनाते हैं, कुकिंग फूड मेक करते हैं, तो हमारी बॉडी में इसके बेनिफिट क्या है। तो हमने बेनिफिट देख लिए थे, इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम देखेंगे इसके मेथड क्या क्या है, यानी गुड कुकिंग हेल्प इन द मीट टू और डेली न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। गुड कुकिंग इज इंक्रीज द एक्सेप्टेंस ऑफ फूड, इट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ फूड, यानी दिखने में अच्छा लगे, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू मास्टिकेशन, या इजी टू इट मेक द स्टेलाइजेशन ऑफ हेल्प किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम पकाते हैं, स्टेलाइज करते हैं, तो ये किए फ्री फॉरम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होगा। तो हम बेनिफिट देख लिए क्या, अच्छा खाना खाने के बेनिफिट क्या है। अब इसके हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। हम खाना बनाते हैं तो उसके मेथड क्या है, कुकिंग के मेथड क्या है। अगले हेडिंग है मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब मेथड्स क्या है कुकिंग के, मेथड्स क्या है कुकिंग के, डिफरेंट मेथड्स है, दीज आर फ्लोइंग मेथड्स। अब हम इसको पहले कैसे लिखते हैं अच्छा दिखने के लिए, मेथड ऑफ कुकिंग, मेथड्स ऑफ कुकिंग। सबसे फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग यानी उबालना। सेकंड है स्टीमिंग
स्टेमिंग, भाप देना, भाप से पकाते हैं। थर्ड है फ्राइंग, फ्राइंग, फ्राइंग टू टाइप्स की है, एक तो डीप एंड सोलो फ्राइंग, रोस्टिंग, रोस्टिंग। एक है ग्रिलिंग, 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 रोस्टिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग और बेकिंग, बेकिंग, मेथड्स ऑफ कुकिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग और ग्रिलिंग, बेकिंग और सिमरिंग। ये क्या है? मेथड्स ऑफ कुकिंग, बॉइलिंग उबालना, स्टीमिंग यानी भाप से सेकना, फ्राइंग यानी फ्राई करना, रोस्टिंग यानी आग पे सेकते हैं ना, ग्रिलिंग उबालते, बेकिंग कबाब वगैरह सेकते हैं ना। तो ये हम देखेंगे मेथड। ये हो गए मेथड, मेथड ऑफ कुकिंग। अब हमने फर्स्ट मेथड था हमारा बॉइलिंग, फर्स्ट मेथड बॉइलिंग, यानी इसका बॉइलिंग में टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री तक हम खाना पकाते हैं। अगर इसमें अगर पानी में हम जो भी फूड पका रहे हैं, तो फूड पकाने का हमारा मेन पर्पस है उसको यानी पकाना। तो हम बॉइलिंग में अगर ज़्यादा पानी हमने डाला, जितनी ज़्यादा अमाउंट में हम पानी डालेंगे, जितनी ज़्यादा अमाउंट में उसको बॉइलिंग करें, तो हमारा शायद सी बात है जो मिनरल्स हैं विटामिन्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन लॉस हो जाते हैं। हम 100 डिग्री के सेल्सियस पे उसको हम बॉइलिंग करते हैं। किसको करते हैं? जैसे वेजिटेबल्स है, राइस है, फ्रूट्स है, इसको हम बॉइलिंग करते हैं एट 100 डिग्री तापमान में। अब हम इसको अगर हमारे जो हम भी बॉइलिंग कर रहे हैं, तो हमारे उसमें अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है, अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा कुकिंग या ज़्यादा बॉइलिंग होगा। अगर बॉइलिंग ज़्यादा होगा तो शायद सी बात है विटामिन एंड मिनरल्स का लॉस हो जाएगा। तो हम जैसे चावल पकाते हैं, कोई सब्जी उबालते हैं जैसे आलू उबालते हैं, वैसे ही हम बॉइलिंग यानी उबालना, स्टीमिंग यानी जैसे प्रेशर कुकर में हमने बना स्टीमिंग भाप से, भाप से अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं स्टीमिंग, तो उसको बोलते हैं स्टीमिंग। अब इसमें टेम्परेचर हम देखें तो मोर देन 100 डिग्री रहेगा, मोर देन अगर 100 डिग्री से भी ज़्यादा रहेगा स्टीमिंग में। अब फ्राइंग यानी फ्राई करना, डीप फ्राइंग,
डीप फ्राइंग और सोलो फ्राइंग। डीप फ्राइंग तो वो होती है जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना, तेल है पूरा, हमने बॉइलिंग कर लिया एकदम फुल, उसका टेम्परेचर है उसमें, उसको बोलते हैं डीप फ्राइंग, यानी अंदर तेल के अंदर पूरा जाता है, जैसे हम कचौरी है समोसा है वैसे, उसको बोलते हैं हम डीप फ्राई। सोलो फ्राई जैसे आमलेट, आमलेट फ्राई करते हैं, थोड़ा तेल डाला और आमलेट को फ्राई कर देते हैं, पराठा को फ्राई कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम सोलो फ्राई। और रोस्टिंग, रोस्टिंग डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में लेते हैं, जैसे हम चिकन होता है ना, चिकन के लेग पीस हमारे जो बाज़ार में देखते हैं ना, वैसे ही करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब डायरेक्ट हीट में पकाना, डायरेक्ट हीट में पकाना। सेकंड है ग्रिलिंग, ग्रिलिंग, ग्रिलिंग का मीन्स होता है मिट्टी के अंदर, जैसे हमारी गरम करते हैं ना, जैसे बाटी बनाते हैं, कबाब सेकते हैं, वैसे ही हम ग्रिलिंग बोलते हैं उसको, यानी अच्छा सा वहाँ पे हमने हीट प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस करने में लकड़ी वगैरह को जलाया, जलाने के बाद में जो भी राख बनती है वो गर्म होती है, उसके दोबारा जो भी हम कुकिंग पकाते हैं खाना, जैसे बाटी है कबाब है, उसको बोलते हैं ग्रिलिंग। बेकिंग, बेकिंग का मतलब है जो ड्राई हीट होती है, ड्राई हीट मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो रहते किसी ऑब्जेक्ट में, हम किसी जो किसी के अंदर डालकर उसको हम पकाते हैं, उसको बोलते हैं हम बेकिंग। तो ये हो गए मेथड ऑफ कुकिंग, मेथड ऑफ कुकिंग। अब हम बॉइलिंग देखते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है अपना, बॉइलिंग, फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग, बॉइलिंग, बॉइलिंग कुकिंग, इसको लिखते हैं हम कुकिंग इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड बॉइलिंग, कॉल्ड बॉइलिंग। कौन कौन से करते हैं, लाइक एज राइस पल्सेज एंड some other vegetables are cooked in this way, कि इस बॉइलिंग के वजह से हम राइस है, पल्सेज एंड सम अदर वेजिटेबल्स है, उसको पकाते हैं। अब हम अगर बॉइलिंग इन एक्सेस वाटर दे में रिजल्ट इन लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल, कि हम ज़्यादा देर तक बॉइलिंग करेंगे तो हमारा जो फूड वैल्यूज है जैसे विटामिन एंड मिनरल्स, इसका लॉस हो जाएगा। अगला पॉइंट है देयर फॉर द फूड विच आर कुकिंग बाय बॉइलिंग should be done
by using exact amount of water, कि हम बॉइलिंग करते हैं तो जो भी हम फूड पकाते हैं उसके अंदर जो वाटर का लेवल है वो एग्जैक्ट रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ज़्यादा रखने से ज़्यादा देर जो हम बॉइलिंग करते हैं तो जो चांस रहते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स का लॉस होने का। हम ये पढ़ लिया बॉइलिंग। अब हमारा अगला मेथड है स्टीमिंग। स्टीमिंग सेकेंड मेथड है स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या है, इसमें हम लिखते हैं दीज प्रिंसिपल्स इज इन्वॉल्व्ड इन प्रेशर कुकर इन विच फूड कुक्ड बाय डायरेक्ट स्टीम। इसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या टेम्परेचर रखते हैं, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर से जो भी हम बनाते हैं उसको बोलते हैं स्टीमिंग। अब है हमारा फ्राइंग टू टाइप्स के होते हैं, डीप एंड सोलो। डीप फ्राइंग वो होता है जैसे डीप फ्राइंग फूड कम्प्लीटली इमर्ज इन द लॉन्ग, जो हम तेल वगैरह ऑयल वगैरह हॉट ऑयल होता है उसमें कम्प्लीट डुबो देते हैं उसको। जैसे कचौरी है, समोसा है, हम बनाते हैं ना मिर्ची बड़ा वगैरह, उसको ही हम बोलते हैं डीप फ्राइंग। और स्लो फ्राइंग बोलते हैं जैसे पराठा पकाते हैं, आमलेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्लो फ्राइंग। ये फ्राइंग हो गया। अब हम रोस्टिंग देखेंगे। फ्राइंग लिख लोगे ना, हम देखते हैं रोस्टिंग क्या चीज़ होती है। रोस्टिंग को कैसे लिखते हैं हम देखो। रोस्टिंग इज ए कुकिंग मेथड इन विच फूड डायरेक्ट एक्सपोज टू हीट। यानी रोस्टिंग में क्या करते हैं, जो भी हीट होती है, गर्म कुछ भी है, जैसे हम आग जलाते हैं और गर्म करते हैं, डायरेक्ट हीट के कॉन्टेक्ट में जो भी फूड है उसको लेते हैं। लाइक एज कौन कौन से हैं, चिकन होता है, उसको हम डायरेक्ट रोस्टिंग करते हैं बाय द हीट। अब हम है ग्रिलिंग यानी कुछ जला के गर्म करके उसके अंदर दबा देना, उसको भी बोलते हैं हम ग्रिलिंग। जैसे हम बाटी बनाते हैं, बाटी
एंड कबाब। कबाब क्या होता है, सुना होगा, होटल में मिलता है कबाब। होटल में हम जाते हैं तो डायरेक्ट लिखा होता है कबाब इस दिन मिलेगा, हर मंडे या हर मंथ का मंडे या शुक्रवार को कबाब मिलता है। अब है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग देखिए, इट इज़ ए कुकिंग मेथड विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड लाइक कबाब एंड बाटी। कबाब एंड बाटी, ग्रिलिंग हो गया, रोस्टिंग हो गया, फ्राइंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, स्टीमिंग हो गया। अब है बेकिंग। बेकिंग बेकिंग क्या होता है? बेकिंग इसको लिखते हैं, बेकिंग इज ए मेथड बाय विच फूड इज कुक्ड फूड बाय ड्राई हीट इट इज डन हॉट एयर ओवन फूड इज enclosed by hot air so that it gets hot from all side the cooking temperature is more than 250 से 500 सेंटीग्रेड 250 से 500 फारेनहाइट होता है। बेकिंग का क्या करते हैं कि एक मशीन होती है हॉट एयर एंड और ओवन, तो उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट में किसी उसके चारों में कुछ कपड़ा वगैरह लगाकर हम डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में लेते हैं, उसको ही हम बोलते हैं बेकिंग। तो ये मेथड हो गई कुकिंग के मेथड। इंट्रोडक्शन हो गया इसका, बेनिफिट हो गया, मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या क्या मेथड्स है, कैसे खाना पकाते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, कल के लेक्चर में मिलते हैं अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव व्यू के साथ। थैंक यू।